हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक राजनीतिक घटनाक्रम के बीच रविवार दोपहर बाद मनकामेश्वर मंदिर की महंत देवया गिरी की समाजवादी पार्टी के देशीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलचल और हलचल मचा दी है। मुलाकात के बाद अब उन सबके भी महापौर पद के लिए मैदान और उतरने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। लेकिन निर्दलीय या किसी दल के साथ चुनाव लड़ेंगी, इसे लेकर उन्होंने सोमवार तक इंतजार करने के साथ कुछ भी बोलने से मना कर दिया। मंदिर के तमाम सेवकों के साथ सपा सुप्रीमो के आवास पर पहुंची महंत ने यहां करीब 15 मिनट से अधिक समय तक पूर्व मुख्यमंत्री से बात की। इस बीच उन सबके महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट दलों के अलावा मीडिया जगत और भी फैल गई। इस मामले पर सपा नेताओं ने भी चुप्पी साधी है। समय रात मनकामेश्वर मंदिर की महंत देवया गिरी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री व सपा नेता अखिलेश यादव से उन सबके आवास पर मुलाकात निजी कारणों से हुई थी। फिलहाल इसका राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। सपा, कांग्रेस या किसी भी अन्य दल से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह सोमवार को ही मसले पर कुछ कह सकेंगी। मालूम हो कि महापौर पद के लिए महंत देवया गिरी का कद्दावर पार्टी से चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से शहर और लोगों के बीच है। मंदिर के तमाम सेवकों के साथ सपा सुप्रीमो के आवास पर पहुंची महंत ने यहां करीब 15 मिनट से अधिक समय तक पूर्व मुख्यमंत्री से बात की। इस बीच उन सबके महापौर पद के लिए चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट दलों के अलावा मीडिया जगत और भी फैल गई। इस मामले पर सपा नेताओं ने भी चुप्पी साधी है। समय रात मनकामेश्वर मंदिर की महंत देवया गिरी ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री व सपा नेता अखिलेश यादव से उन सबके आवास पर मुलाकात निजी कारणों से हुई थी। फिलहाल इसका राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। सपा, कांग्रेस या किसी भी अन्य दल से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह सोमवार को ही मसले पर कुछ कह सकेंगी। मालूम हो कि महापौर पद के लिए महंत देवया गिरी का कद्दावर पार्टी से चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से शहर और लोगों के बीच है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।